रुख करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जहां वह अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी जी के पार्थिव शरीर के दर्शन कर रहे हैं। के अध्यक्ष होने के बावजूद, क्योंकि साधु समाज के बीच में कार्य करने का एक लंबा भाई भाई मोबाइल मत मारो हम लोगों का सहयोग था, तो मैं इस चीज को देखता था कि मान अपमान की चिंता के बगैर प्रयागराज कुंभ को पूरी भव्यता के साथ आयोजित करने के लिए उन्होंने अपना पूरा योगदान दिया था। प्रयागराज कुंभ के पूर्व संगम पूजन और मां गंगा की पूजा के कार्यक्रम को यहां पर आयोजित हो, उनकी इच्छा थी कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी अगर इस कार्यक्रम को लेकर के प्रयागराज पधारें तो इससे काफी चीजें हमारे लिए और भी अच्छे ढंग से प्रस्तुत करने का एक अवसर प्राप्त होगा। और प्रयागराज कुंभ के पूर्व जब प्रयागराज से जुड़े हुए विभिन्न प्रकार के यहाँ के भौतिक विकास से जुड़े हुए कार्यक्रमों का लोकार्पण और शुभारंभ के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रयागराज आगमन हुआ था, तो उन्होंने उस मुहूर्त को उसी के साथ जोड़ा था। पूरा अनुशासन, पूरी मर्यादा, पूरी पवित्रता को बनाए रखते हुए उन्होंने हर एक उस आयोजन में कैसे बेहतर समन्वय और संवाद के माध्यम से हम जैसे अपने घर का कोई कार्य होता है उसी तर्ज पर प्रयागराज कुंभ की भव्यता, उसकी सुरक्षा, हर एक श्रद्धालु की व्यवस्था, 13 अखाड़ों के बीच में परस्पर संवाद और समन्वय, हर एक पंथ संप्रदाय से जुड़े हुए आचार्य धर्माचार्यों के बीच में बेहतर संवाद और सम्मान, इन सब को लेकर के उन्होंने बहुत जो सुंदर प्रयास किया था उसका परिणाम था कि प्रयागराज कुंभ पहली बार वैश्विक मंच पर एक अद्भुत घटना के रूप में जाना जाता है, जो अपनी सुव्यवस्था, सुरक्षा, यहां पर स्वच्छता के नए मानक वहां पर स्थापित किया था। मैं देखता था साधु समाज की समस्या को लेकर के धर्माचार्यों की समस्या हो, अखाड़ा के अंदर का हो, अखाड़ा परिषद के अंदर का हो, किसी मठ मंदिर का हो, या फिर अखिल भारतीय स्तर पर समाज और देश के हित में किए जाने वाले हर एक निर्णय में उनका सानिध्य और सहयोग प्राप्त होता था। आज वे हमारे बीच में नहीं है, उनका दुखद अवसान हम सब के लिए, खासतौर पर धार्मिक जगत के लिए, आध्यात्मिक जगत के लिए कपूर्णीय क्षति है। मैं दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रभु श्री राम से, प्रयागराज से और यहां पर साधु समाज की जो उन्होंने सेवा की है उन सभी पितरों से भी यही प्रार्थना करूंगा कि उन्हें उत्तम लोगों की प्राप्ति हो और वह जिन कार्यक्रमों को लेकर के चले थे, अखाड़ा परिषद से जुड़े हुए, साधु समाज से जुड़े हुए, बागम्बरी पीठ से जुड़े हुए, इन सब की पूर्ति और इन्हें सकुशल आगे बढ़ाने के लिए इतनी ताकत उनके सभी सहयोगियों, अनुयायियों और उनके शिष्यों को प्राप्त हो। यहां की कल की घटना को लेकर के बहुत सारे
साक्ष्य कलेक्ट किए गए हैं, क्योंकि एक वरिष्ठ धर्माचार्य और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष से जुड़ा हुआ मामला है, उन्हें इस पूरे केस की प्रॉपर्टी का हिस्सा मानते हुए पुलिस की एक टीम जो यहाँ के एडीजी जॉन, आईजी रेंज और डीआईजी प्रयागराज, ये तीनों और मंडलायुक्त प्रयागराज, ये सभी अधिकारी एक साथ मिलकर के टीम वर्क के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। एक एक घटना का पर्दाफाश होगा और दोषी अवश्य सजा पाएगा। मेरी विनम्र अपील होगी सभी लोगों से कि संवेदनशील प्रकरण में अनावश्यक बयानबाजी से बचें, जांच एजेंसियों को निष्पक्ष ढंग से कार्यक्रम को आगे बढ़ाने दें और जो भी इसके लिए जिम्मेदार होगा उसको कानून के दायरे में ला करके कड़ी से कड़ी सजा भी दिलाई जाएगी। धार्मिक परंपरा के अनुसार पंचक होने के कारण उनके शिष्यों और अनुयायियों और अखाड़ा से जुड़े हुए पदाधिकारियों की राय है कि कल आज जनता के दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर यहां पर बागमरी पीठ में ही रहेगा। कल 5 सदस्यीय एक टीम उनके पार्थिव शरीर का पोस्टमार्टम की कार्रवाई वो संपन्न करेगा और उसके उपरांत जो भी धार्मिक रीति है शास्त्रोक्त पद्धति से उनकी भावनाओं के अनुरूप समाधि का कार्यक्रम यहां पर संपन्न होगा। सभी एजेंसियां अलर्ट हैं और इस पूरी मामले में हर व्यक्ति आहत है, व्यथित है। मैं एक बार फिर से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूं। प्रदेश सरकार की ओर से, अपने धार्मिक समाज की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। प्रभु श्री राम से ही प्रार्थना करता हूं कि वह ब्रह्मलीन महंत नरेंद्र गिरि जी महाराज को अपने श्री चरणों में स्थान दें। धन्यवाद। मुख्यमंत्री, सीबीआई जांच की मांग की जा रही है, क्या अभी आवश्यकता है उसकी? के अध्यक्ष महंत महापित उन्होंने की, साथ ही कहा कि मामले की जांच हो रही है, जो कोई भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि जी की आत्महत्या के का मामला सामने आया है। पुलिस हालांकि जांच कर रही है पूरे मामले में। इसी पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कह रहे थे कि जो कोई भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस जांच कर रही है, प्रारंभिक जांच में हालांकि यह हत्या मानी जा रही है। तो इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतनी। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।